वेलकम टू माई YouTube चैनल, दिस इज सोनू स्पीकिंग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे पास पढ़ाने के लिए टॉपिक है कैन नॉट होल्ड। कैन नॉट होल्ड का मतलब होता है नहीं रोक सकता, और कुड नॉट होल्ड का मतलब होता है मैं नहीं रोक सका या नहीं रोक सकता था। होल्ड वाली होता है रोकना, और कैन नॉट का मतलब है नहीं सकता हूँ। जैसे मैंने कहा मैं अपनी हंसी को नहीं रोक सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा मैं अंग्रेजी आई, और नहीं रोक सकता हूँ नहीं को बोलूँगा कैन नॉट, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की बात है, कैन प्रेजेंट में यूज होता है। तो आई कैन नॉट होल्ड माई लाफिंग, आई कैन नॉट होल्ड माई लाफिंग, मैं अपनी हंसी को नहीं रोक सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं यही बात पास्ट में कहूँ कि मैं अपनी हंसी को नहीं रोक सकता था, ये मैं अपनी हंसी को नहीं रोक सका, तो मैं बोलूँगा आई कुड नॉट होल्ड माई लाफिंग। अब कैन की जगह मैंने यूज़ कर दिया कुड, क्योंकि कुड यूज़ किया जाता है पास्ट के लिए। ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि आप बॉस के सामने खड़े हुए हैं और बॉस आपको थोड़ा सा डांट रहे हैं, तो आप वहाँ अपने इमोशंस को आप नहीं रोक सके, तो आपने कहा कि आई कुडंट होल्ड माई इमोशंस इन फ्रंट ऑफ बॉस, बॉस के सामने मैं अपने इमोशंस को नहीं रोक सका। और सेंटेंस में आप कहते हैं कि मैंने कहा कि वह अपने आंसुओं को नहीं रोक सकती है, प्रेजेंट की बात है, तो बोलूँगा सी कैन नॉट होल्ड हर टीयर्स। सी कैन नॉट होल्ड हर टीयर्स का मतलब होता है कि वह अपने आंसुओं को नहीं रोक सकती है। ऐसे और सेंटेंस हैं, जैसे मैंने कहा सेंटेंस में कि मैं, जैसे मैंने कहा है कि वह अपने आंसू को नहीं रोक सकती थी, अगर पास्ट की बात करें तो कैन नॉट की जगह हो जाएगा कुड नॉट, तो बोलूँगा सी कुड नॉट होल्ड हर टीयर्स। आपको समझ में आ रही होगी। और सेंटेंस है, आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपने डाउट पूछना है अपने सर से, और आपका जो डाउट है वो क्लियर होना जरूरी है, तो आप अपने डाउट को रोक ना सके कि मैं क्लास के बाद में पूछ लूँगा, ये क्लास के लास्ट में पूछ लूँगा, लेकिन आपने तुरंत पूछ लिया, तो आपने अपने क्लासमेट से कहा यार मैं अपने डाउट को रोक ना सका, तो वो इंग्लिश से बोलेगा आई कुडंट होल्ड माई डाउट्स, आई कुडंट होल्ड माई डाउट्स, मैं अपने डाउट को रोक ना सका, ये आई कैन नॉट होल्ड माई डाउट्स, मतलब मैं अपने डाउट को नहीं रोक सकता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, एंड बिकॉज ऑफ योर बेस्ट एफर्ट दैन डेफिनेटली आई विल गेट द पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ योर सिंसियर एफर्ट्स। थैंक यू फॉर टुडे, एंड डू सब्सक्राइब इफ यू आर हियर फर्स्ट टाइम।